ओम नमोस्तु 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 प्रणामलोए शवत्रिकाड वर्ती अरहंताणम प्रणामलोए शवत्रिकाड वर्ती सिद्धाणम प्रणामलोए शवत्रिकाड वर्ती आयर्याणम प्रणामलोए शवत्रिकाड वर्ती उवचायाणम प्रणामलोए शवत्रिकाड वर्ती शवशावनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रदानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासनम नमः समय सारा ईश्वानुभूतिया चकाशते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते एगो में शाशदो अप्पा ज्ञान दर्शन लखनो शेषा में बाहिरा भावा सवेश योग लखना मारो सुशाश्वत एक दर्शन ज्ञान लक्षण जीव छे बाकी बदा संयोग लक्षण भाव मुझती बाह्य छे हूँ एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान दर्शन मय खरे कई अन्य मारू जरी परमाणु मात्र नथी हरे जे जाण तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने परिये पणे ते जीव जाने आत्म ने तशु मो पामे लई खरे नथी अप्रमत के प्रमत नथी जे एक ज्ञायक भाव छे ए रीत शुद्ध कथाय ने जे ज्ञात ते तो तेज छे जेम नेत्र तेमज ज्ञान नथी कारक नथी वेद करे जाने ज कर्म उदय निर्जरा बंद तेमज मोक्ष ने ध्रुव अचल ने अनुपम गति पामेल सर्वेशित ने वंदी कहूँ श्रुत केवड़ी कथित आश्रमय प्राप्त स्थाप निज ने मोक्ष पंथे या अनुभव तेह ने तेमाज नित्य विहार कर नहीं विहर पर द्रव्यो विषय ओम श्री नमः सिद्धेय नमः सिद्धेय नमः सिद्धेय दस लक्षण पर्व का आज दसवां उत्तम ब्रह्मचर्य दिन का ये पर्व की पूर्णाहुति का दिन है। ब्रह्म नाम आत्मा अपना ब्रह्म स्वरूप है उसमें चरना रमना उसको ब्रह्मचर्य कहते हैं। ऐसा जो बहुत पवित्र दिन कहा जाता है ये उस दिन में अपनी जो चर्चा चल रही है कुंदकुंद आचार्य देव द्वारा रचा हुआ समय सार जी परमागम शास्त्र है जिसे दृष्टि प्रधान शास्त्र कहा जाता है। वो दृष्टि प्रधान शास्त्र आचार्य भगवान ने अनादि का जो अप्रतिबुद्ध जीव है वो प्रतिबुद्ध कैसे हो जाए उसके लिए वो शास्त्र की रचना कुंदकुंद आचार्य देव ने की थी और उसकी परंपरा चलती 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 अमृतचंद्र आचार्य के पास आया बाद में जयसेन आचार्य के पास आया बाद में बहुत से साधक जीवों के पास आया। 1300 साल पहले 2000 साल पहले लिखा गया 1300 साल पहले योगिंदु देव के पास आ गया जिसने परमात्म प्रकाश की रचना कर दी। बाद में ये सब शास्त्र लिखे गए मगर गुरुदेव के पास जब शास्त्र आया तो उसकी ध्वनि ऐसे निकल गई कि ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। ऐसा ये जो परमागम जो है उसमें अशरीरी कैसे होना माने कि सिद्ध दशा कैसे प्राप्त हो जाए निर्वाण कैसे हो जाए जीव तो निर्वाण स्वरूप है मगर वो निर्वाण स्वरूप है ऐसा पता चल जाए उसका नाम निर्वाण कहा जाता है। जीव को वास्तव में जानना देखना
कि मेरा जीव है वो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय है, वो अविनश्वर है, उसका कभी नाश नहीं होता, वो अनादि अनंत रहता है, वो चैतन्य प्रतिमा हाजरा हजूर विराजमान है, चैतन्य प्रतिमा। वो प्रतिमा किसी ने बनाई नहीं होती है, एकदम अकृत्रिम। जिनेन्द्र भगवान का जिन चैत्यालय भी जिनेन्द्र प्रतिमाएं अकृत्रिम कहीं होती है, ऐसे ही ये अकृत्रिम चैतन्य परमात्मा है। ऐसी यहाँ ये जो अपने देह देवड़ में देह से पृथक ऐसा चैतन्यमयी चैतन्य प्रतिमा स्वरूप भगवान आत्मा नित्य निरावरण, कभी उसको आवरण ही नहीं आया, ऐसा शुद्ध परमात्मा, परिपूर्ण परमात्मा, त्रिकाल परमात्मा, ध्रुव परमात्मा, जिसको शुद्ध पारिणामिक भाव बोला जाता है, परम भाव बोला जाता है, सर्वविशुद्ध बोला जाता है, ऐसा परमात्मा स्वभावस्थ और स्वरूपस्थ अपने स्वभाव में विद्यमान है। वो स्वभाव में विद्यमान है, बस वो ख्याल में आ जाए, बस उतनी ही चर्चा ये सचमुच में 320 गाथा में कही है। वास्तव में तो यहाँ वो त्रिकाली द्रव्य की ही चर्चा पूरी गाथा में आती है। बाद में जो जो विषय आते हैं, पर्याय के विषय भी आते हैं, माने कि शुद्ध परिणत जीव का विषय आता है, औपशमिक सायोपशमिक सायिक भाव की चर्चा आती है, मोक्ष मार्ग की चर्चा आती है, मोक्ष की चर्चा आती है, वो सब एक समय की पर्याय में प्रकट होने वाले नए भाव है। और ये त्रिकाली स्वरूप भगवान आत्मा है, वो नित्य भगवान आत्मा है, अनादि अनंत भगवान आत्मा है, एक रूप भगवान आत्मा है, ध्रुव भगवान आत्मा है, चैतन्य भगवान आत्मा है। ऐसे भगवान आत्मा की चर्चा अपन कर रहे हैं, उसमें आचार्य भगवान की जो गाथा है उसको अपन शुरू करते हैं। गुरुदेव का प्रवचन में तो बहुत सी बातें आज आई है, उसको भी अपन अपर बीच में इसकी भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि बहुत अच्छा अच्छा प्रकरण पूज्य गुरुदेव श्री का ये प्रवचन में भी आया है, इसको भी अपन देख लेंगे। थोड़ी बहुत मार्मिकता वाली बातें गुरुदेव तो हर एक प्रवचन में करते ही रहते हैं, तो उस तरीके से अपन को पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से उनके श्रीमुख से जो भी बात निकले ना उस पर बहुत विचार करना चाहिए। चाहे कोई भी प्रकरण हो, कोई भी बात हो, वो अपने ज्ञान में बराबर बैठ जानी चाहिए कि अनादि का अप्रतिबुद्ध जीव है और बहुत प्रकार के शल्य है अंदर में, माया मिथ्यात्व निदान ऐसे बहुत प्रकार के शल्य अंदर में पड़े हुए हैं। गुरुदेव को एक बार कहा था, किसी ने प्रश्न पूछा गुरुदेव को कि इतनी आप ये इतनी लंबी बात करते हो तो हमें ये कितना याद रखे, हम थोड़ी देर में ये आधार देते हो, थोड़ी देर में ये आधार देते हो, थोड़ी देर में ये आधार देते हो, 320 गाथा में ही प्रश्न पूछा है, तो हम कितना याद रखे, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है, हम इतना याद कैसे रखे। गुरुदेव ने उसका उत्तर दिया था कि भाई अनादि से तू बहिर्मुख परिणमता है न, तो अंदर में इतने शल्य है, वो निकालने के लिए हम ये इतनी बात करते हैं, ये इतनी बात करने का भी कोई प्रयोजन है, ये बात करने का कोई आशय नहीं है, ऐसा नहीं है, नहीं तो हमारे श्रीमुख से ये बातें हम क्यों कहे। मगर हमें पता है कि अनादि का जीव को बहुत शल्य विपरीत चल रहा है, वो विपरीत शल्य तेरा निकल जाए और तुझे तेरा स्वभाव का निर्णय ज्ञान में हो जाए, इसके लिए हम ये सब चर्चा तेरे सामने एक के बाद एक रखते हैं, क्योंकि ये सब तूने सुन लिया होगा ना एक बार भी तो तेरे ज्ञान में वो रह जाएगा, क्योंकि ज्ञान में से कोई चीज़ एक बार आती है वो निकलती नहीं है।
जब वो अपना अंतर का पुरुषार्थ चालू करता है ना, तो सब भाषित होने लगता है। इसलिए हम ये उपदेश में सब बातें कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा है, मार्मिक होती है। देखो ये 320 गाथा में कह रहे हैं कि ये तात्पर्य वृत्ति टीका है समय सार परमागम की, जयसेन आचार्य देव द्वारा लिखी हुई। वो जयसेन आचार्य देव ने जो लिखा है वो गाथा का पाठ करते हैं अपन। ज्यो नेत्र त्यो ही ज्ञान नहीं का रक नहीं वेद कय हो, जाने ही कर्मो दय निरंजरा बंद त्यो ही मोक्ष को। देखो क्या कहते हैं कि नेत्र अकारक अवेदक है, ऐसे अपना शुद्धात्मा भी प्रथम से ही अकारक अवेदक है। कभी वो कर्ता बनता नहीं है, कभी वो भोक्ता बनता नहीं है। वो नियम से अकर्ता स्वभावी रहता है, नियम से अभोक्ता स्वभावी रहता है। ऐसा जो ये अपना एक परिपूर्ण भगवान आत्मा है, वो ज्ञानमयी ज्ञाता स्वभावी भगवान आत्मा, अकर्ता कहना वो पर का नास्ति रूप से कथन है, ज्ञाता कहना वो अपना अस्ति रूप से कथन है। ऐसा जो अपना भगवान आत्मा चैतन्य ब्रह्म, अंदर में चेतना स्वरूप भगवान आत्मा, ध्रुव स्वरूप भगवान आत्मा, ज्ञायक भगवान आत्मा, वो परिपूर्ण तत्व है, कृतकृत्य तत्व है। वो न तो बंध को करता है, न तो मोक्ष को करता है, या तो बंध का कारण रूप परिणाम को करता है, या तो मोक्ष का कारण रूप परिणाम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उसको भी नहीं करता है। कोई परिणाम का कर्ता जीव हो सकता नहीं है। जीव में अनंत शक्तियाँ भरी है, शक्तियाँ जीव में अनंत भरी है, मगर कोई शक्ति ऐसी नहीं है कि परिणाम को करे, समझे? कोई शक्ति ऐसी नहीं है परिणाम को करे। परिणाम होता है वो जाने ऐसी शक्ति है, मगर कोई परिणाम को करे ऐसी शक्ति नहीं है। बंध मार्ग का परिणाम को दूर करे और मोक्ष मार्ग का परिणाम की उत्पत्ति करे ऐसी कोई शक्ति त्रिकाली द्रव्य में नहीं है। मोक्ष मार्ग का परिणाम का माने कि उसके अभाव करके वो मोक्ष का परिणाम का उत्पाद करे ऐसी कोई शक्ति नहीं है। वो होता है। शक्तियों की बात आज जो गुरुदेव ने की ना, आज शक्तियों का प्रकरण गुरुदेव ने वो बार बार याद करते थे। आज शक्ति एक अभाव रूप शक्ति की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने ली और एक स्वस्वामी संबंध रूप शक्ति की भी चर्चा ली। मगर ये भगवान आत्मा जो है वो तो शक्तिमय त्रिकाल है, वो शक्तिमय त्रिकाल है। वो शक्ति की व्यक्ति रूप परिणमन होता है, तो वो परिणमन होता है उसको आगम भाषा से औपसमिक सौपसमिक सायिक और अध्यात्म भाषा से शुद्धात्माभिमुख परिणाम और शुद्ध उपयोग कहा गया है। तो ऐसा जो एक भगवान आत्मा है, ये भगवान आत्मा त्रिकाल स्वरूपी है, चैतन्य स्वरूप है, नित्य निरावरण स्वरूप है। वो मात्र जानन देखन जानन देखन जानन देखन जानन देखन हार है। वो कुछ करता नहीं है, कुछ भोगता नहीं है, किसी का वेदन करने वाला भी नहीं है। जितना भी वेदन होता है, जितनी भी मोक्ष मार्ग की चर्चा आती है, जितनी भी कथनचित भिन्न वाली चर्चा भी आती है, वो सब परिणाम की चर्चाएं हैं। ये तो अपने में अपने से अपना स्वरूप अपने में स्थित है। वो तो ना कभी मोक्ष मार्ग के परिणाम में जाता है, ना तो मोक्ष के परिणाम में जाता है। ये तो अपने में स्थित स्थिर तत्व है, ध्रुव तत्व है, अखंड तत्व है। ऐसा एक अपना स्वभाव अनादि से बच गया है, अनादि से सुरक्षित रह गया है, अनादि से आनंद संपन्न रह गया है, अनादि से ज्ञान संपन्न रह गया है। इसी एक चर्चा यहाँ 320 गाथा में ये जो शुद्ध ज्ञान और अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव जो हो गया, माने कि जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र राणी मोक्ष मार्ग रूप परिणम गया, वो अभेद से शुद्ध ज्ञान परिणत जीव कहा गया, और उसके आगे बढ़ते 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 वो केवली भी हो गया। तो वो भी सचमुच में आत्मा भी जाननहार, शुद्ध ज्ञान परिणत जीव भी जाननहार,
केवली परमात्मा भी जाननहार, ना तो किसी का कर्ता ना तो किसी का भोक्ता, ऐसा सर्वविशुद्ध पारिणामिक परम भाव लक्षण, ऐसा शुद्ध उपादान भूत से, ऐसा जो ग्राहक बन के वो शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं से, वो किसी का कर्ता भोक्ता कभी नहीं बन सकता, ऐसा एक चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा में पांच भाव है। ऐसा भगवान आत्मा एक भाव स्वरूप है, शुद्ध त्रिकाल स्वरूप है, शुद्ध जीवत्व स्वरूप है, मगर उसके साथ साथ में पर्याय भी होती है। कोई ऐसा समय नहीं आता कि जीव पर्याय बिना का हो जाए, और कोई ऐसा समय भी नहीं आता कि त्रिकाली द्रव्य पर्याय वाला हो जाए। कोई ऐसा समय नहीं आता प्रमाण का द्रव्य का कि वो पर्याय बिना का हो जाए। अनादि अनंत है ये सत्ता, प्रमाण की सत्ता। और कोई ऐसा समय नहीं आता कि त्रिकाली द्रव्य पर्याय वाला हो जाए। तो ये दोनों बात अपनी अपनी जगह पे, अपनी अपनी स्थिति में है, और उसमें से द्रव्य पर्याय की पृथकता देखे तो पर्याय पर्याय रूप है, द्रव्य द्रव्य रूप है, द्रव्य में पर्याय नहीं है और पर्याय में द्रव्य नहीं है, ऐसी दोनों की स्वतंत्र भिन्न भिन्न सत्ता अपने में अपने से, दोनों अपने में अपने से परिपूर्ण है। कोई किसी में कोई अधुरास वाला प्रकरण नहीं है। जो समय में जो पर्याय जो षटकारक से होती है, वो समय के लिए वो पर्याय अपने लिए पूर्ण है। वो पूर्ण होगी, वो आगे बढ़ के पूर्ण होगी, तो वो समय के लिए वो पर्याय अपने लिए पूर्ण है। अभी मोक्ष मार्ग चल रहा है तो मोक्ष मार्ग की पर्याय षटकारक से हुई, तो उस समय में वो पर्याय मोक्ष मार्ग के लिए पूर्ण है, ऐसा कहने का आशय है। तो ये पर्याय पर्याय में पूर्ण है, द्रव्य द्रव्य में पूर्ण है, एक दूसरे को किसी की सापेक्षता किसी की अपेक्षा कभी लगती नहीं है। ऐसा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, ऐसा ध्रुव नायक भाव, वो सर्वविशुद्ध पारिणामिक भाव परम भाव लक्षण, ऐसा जो अपना नायक चैतन्य परमात्मा है, वो कभी वो ना तो बंध की पर्याय में जाता है, ना तो बंध का मोक्ष मार्ग की पर्याय में जाता है, बंध का अभाव रूप, या तो मोक्ष की पर्याय में कभी त्रिकाली द्रव्य जाता नहीं है, वो अपने में अपने से ही स्थित रहता है। ऐसे ये पांच भाव का प्रमाण का द्रव्य की चर्चा करके जीव का एक पारिणामिक भाव का भव्यत्व अभव्यत्व की चर्चा आई, जीवत्व की चर्चा में शुद्ध जीवत्व अशुद्ध जीवत्व की भी चर्चा आ गई, तो पूरा वो पांच भाव की चर्चा करके फिर उसमें भव्यत्व लक्षण पारिणामिक की चर्चा जो यहाँ आई थी, भव्यत्व लक्षण पारिणामिक भाव की, वो कल अपन ने उसकी चर्चा ली थी कि भव्यत्व लक्षण पारिणामिक तो यथासंभव समयकत्व आदि जीव गुणों का घातक देश घाती और सर्वघाती ऐसे नाम वाला मोहादि कर्म सामान्य पर्यार्थिक नहीं से आच्छादित करता है, ऐसा जानना। वहाँ जब कालादि लब्धि के वश भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति होती है, तब यह जीव सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण नीच परमात्म द्रव्य के सम्यक श्रद्धा दान अनुचरण रूप पर्याय के रूप परिणमन करता है। उस परिणमन को आगम भाषा से सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुचरण रूप पर्याय के रूप परिणमन करता है, उस परिणमन को आगम भाषा से औपसमिक सायोपसमिक साक्षायिक इस प्रकार से भावत्रय रूप कहने में आता है। तो ये चर्चा अपनी शुरू हुई थी, ये माने कि आगम भाषा से औपसमिक सायोपसमिक साहिक और अध्यात्म भाषा से उसको शुद्धात्म अभिमुख परिणाम और शुद्धोपयोग कहा जाता है। इस चर्चा में अपन ने ज्ञान के लक्षण की चर्चा शुरू की थी कि अनुभूति के पहले श्रद्धान होने के पहले जीव के पास एक उपयोग लक्षण एक ज्ञान लक्षण होता है, वो ज्ञान लक्षण उपयोग है, वो उपयोग भी जैसा जीव अनादि अनंत है ऐसे ज्ञान का उपयोग लक्षण भी अनादि अनंत रहता है। बहुत से आधार मैंने कल दिए थे, तत्वार्थ सूत्र में दूसरा अध्याय में भी आया है कि उपयोगो लक्षणम जीव है, ऐसा भी वहाँ भी लिखा है। उपयोग लक्षण कभी अभाव रूप नहीं होता, जैसे त्रिकाली द्रव्य अविनाशी तत्व अभाव रूप नहीं होता, ऐसे उपयोग लक्षण भी अभाव रूप नहीं होता। एक समय के लिए उपयोग लक्षण अभाव रूप हो जाए तो सचमुच जीव ही न रहे, और त्रिकाली द्रव्य भी एक समय के लिए न रहे तो भी द्रव्य का नाश हो जाए। इसलिए ये द्रव्य की सत्ता अनादि अनंत जैसे है, ऐसे ही ये उपयोग लक्षण ज्ञान का है, जिसमें जानना 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 प्रति समय चलता है, वो पर्याय वो उपयोग भी अनादि अनंत होता है।
देखो इसमें उसको पर्याय कहना कि उसको उपयोग कहना, वो भी प्रश्न कल कर रहे थे कोई। देखो ये उपयोग है वो तो निरंतर उपयोग रूप ही रहता है, मगर जितना परिणमन होता है उसको पर्याय कहा जाता है। परिणमन में शुद्धता और अशुद्धता जन्म लेती है। उपयोग तो ज्ञानमय जानना 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 ऐसे ही रहता है, मगर वो एक ज्ञान में ऐसा उपयोग और पर्याय का भेद नहीं होता, वो एक ही उपयोग में ये पूरी रमत चलती है। जब वो उपयोग रूप उपयोग को देख लेता है तो उसको ज्ञान देखने में आता है, और ज्ञान अगर उसको दिखाई देता है तो उसको पता चलता है कि ये ज्ञान की जो माने कि ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का प्रवाह जो है, ज्ञान का वेण जो आया है, वो ज्ञायक भाव जो पूरा चैतन्य समुद्र पड़ा है उसमें से ये ज्ञान का वेण निकलता निकलता आया है, तो मैं तो चैतन्य परिपूर्ण परमात्मा हूँ, ऐसा उसका ज्ञान में निर्णय की भूमिका आ जाती है। निर्णय की भूमिका आने से श्रद्धा सम्यक होती है। ये चर्चा अपनी कल चली थी। ये ऐसा प्रकरण है कि गुरुदेव के प्रवचन में भी आता है और लालचंद भाई के प्रवचन में तो इसकी स्पष्टता बहुत आई है। तो इस तरीके से ये ज्ञान लक्षण वाली चर्चा को अपने को समझना चाहिए। और श्रद्धान जो है, श्रद्धा के बिना तो कोई जीव को आत्मा का प्रतीति ही नहीं होती, कोई जीव को अहम ही नहीं होता, कोई जीव को श्रद्धा ही प्रकट न हो तो उसके पास तो सचमुच में आत्मा क्या है वो उसको पता ही नहीं है। तो जितनी ज्ञान लक्षण की कीमत है उतनी ही श्रद्धा की कीमत है। उसमें दोनों को कोई दोनों में फर्क नहीं है, वो तो लक्षण है और श्रद्धा मोरछाप मारती है। तो दोनों को इस तरीके से समझना चाहिए। अभी यहाँ जो आज पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन में जो एक अभाव शक्ति वाली बात आई थी उसको मैं थोड़ा आपको बताता हूँ कि उसमें गुरुदेव को क्या कहना था। देखो ये भगवान आत्मा है, वो त्रिकाली द्रव्य है, वो अनंत शक्ति से भरा पड़ा परमात्मा है, उसमें अनंती शक्तियाँ पड़ी है, हैं अनंती शक्तियाँ माने 47 का तो माने उसमें विस्तार कर दिया, मगर ऐसी अनंती शक्तियाँ त्रिकाली द्रव्य में पड़ी है। वो अनंती शक्तियाँ कैसी है, उसमें वो एक 6 शक्ति का माने कि झुमका आया है 6 शक्ति का, और 7वीं भी शक्ति उसी के प्रकार से ली गई है। 6 शक्ति में एक 33 नंबर की शक्ति है वो भाव शक्ति है, 34 नंबर की शक्ति है वो अभाव शक्ति है, 35 नंबर की शक्ति है वो भाव अभाव शक्ति है, 36 नंबर की शक्ति है वो अभाव भाव शक्ति है, 37 नंबर की शक्ति है वो भाव भाव शक्ति है, 38 नंबर की शक्ति है वो अभाव अभाव शक्ति है, और 39 नंबर की शक्ति है वो फिर से भाव शक्ति आई है। ऐसा ये पूरा शक्तियों का प्रकरण पूज्य गुरुदेव श्री ने जो स्पष्टीकरण किया उसमें शक्ति की चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने उठाई है। तो ये भाव शक्ति जो कही उसका क्या कार्य है, भाव शक्ति किस क्यों इसको भाव शक्ति बोला, तो उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने शक्ति के प्रवचनों में एक 23 बोल निकाले थे, 23 बोल। ये गाथा के अनुरूप ही चर्चा चल रही है। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन शक्ति का सुनने की इच्छा हो जाए, इसके लिए शक्ति का प्रवचन की मैं आपको बात करता हूँ। उसमें पूज्य गुरुदेव श्री ने 23 बोल बताए थे, और पूज्य गुरुदेव श्री का जब स्वर्गारोहण हुआ, वैमानिक में चले गए वो, तब वो अध्यात्म प्रणेता नाम का एक पुस्तक बाहर पड़ा था, पूज्य गुरुदेव श्री का ही सब चर्चाएँ सब बातें उसमें लिखी हुई थी। उसमें ये 23 बोल छपे हुए हैं कि एक एक शक्ति में माने कि अनंत शक्ति का रूप कैसे है, एक एक शक्ति में ध्रुव उपादान और क्षणिक उपादान क्या है, एक शक्ति दूसरी शक्ति में निमित्त कैसे पड़ती है, एक शक्ति में अक्रम और क्रम रूपता क्या है, ये पूरा प्रकरण वो 23 बोल में पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया था। और ये पूज्य गुरुदेव श्री वो प्रवचनों में बार 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 बोलते रहते हैं कि ये 23 जो बोल है उसको आप समझो तो आपको एक एक शक्ति का भाव पकड़ में आ जाएगा, और एक एक शक्ति का भाव पकड़ में आ जाएगा तो तुम्हें आत्मा की इतनी महिमा आएगी, शक्तिवान की इतनी महिमा आएगी, शक्तिवान स्वरूप भगवान आत्मा की इतनी महिमा आएगी। ये शक्ति शक्ति समझाने के लिए नहीं होती है, ये शक्ति मोक्ष मार्ग में परिणमन कराने के लिए नहीं होती है,
ये शक्तियां शक्तिवान की महिमा दिखाने के लिए होती है कि तेरा शक्तिवान परमात्मा कैसा पड़ा है, तुझे जो कुछ भी चाहिए वो तेरा भगवान आत्मा में शक्तियां पड़ी है, तुझे ज्ञान चाहिए तो ज्ञान शक्ति है, तुझे देखना है दर्शन चाहिए तो दर्शन शक्ति है, तुझे प्रतीत करना है तो श्रद्धा नाम की शक्ति है, हैं तुझे सुख चाहिए तो सुख नाम की शक्ति है, तुझे लोकालोक को जानना है तो सर्वज्ञत्व शक्ति है, लोकालोक को देखना है तो सर्वदर्शित्व शक्ति है, तुझे लोकालोक कैसे जानने में आता है तो स्वच्छत्व शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियां भरी है, स्वरूप की रचना तुझे करना है तो एक वीर्य शक्ति है, तुझे व्यापकपना देखना है तो विभुत्व शक्ति है। ऐसी अनंत शक्ति का पिंड वो मैं चैतन्य परमात्मा हूं, वो मैं ज्ञायक देव हूं, वो मैं भूतार स्वभावी आत्मा हूं, वो मैं त्रिकालता से भरा पड़ा हूं, ऐसी मेरी अनंत शक्तियों का महिमा है, ऐसा महिमावंत मैं परमात्मा हूं, है मैं ऐसे खाली कम नहीं हूं, मेरे में बहुत भरा पड़ा है, बहुत भरा पड़ा है। जब अंदर जाके मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि ओ हो, इतना समुद्र भरा था, इतनी शक्तियां व्यापक रूप से अंदर पड़ी थी, इतना मेरा वैभव था अंदर, इतनी मेरी संपत्ति अंदर थी, इतनी मेरी समृद्धि अंदर थी, और मेरे बाहर में लोकालोक कैसे जानने में आवे, उस तरफ मेरा ज्ञान चला जाता था, उस तरफ मेरी श्रद्धा चली जाती थी। तो ये परिपूर्ण परमात्मा यहाँ नित्य परमात्मा विराजमान होने पर भी वो तो मेरे में विराजमान भी नहीं है, पर तो ये तो विराजमान है पर इसको भूल गया है, ये शक्ति को भूल गया, शक्तिवान को भूल गया, बाकी का सब याद रहता है। कोई भी चीज का पूछो तो याद है, शक्ति का पूछो तो याद नहीं है, शक्तिवान पूछो तो उसकी महिमा नहीं आती। ये शक्तियां महिमा बताने के लिए है। तो भाव शक्ति का प्रकरण ऐसा है कि भाव शक्ति के कारण कोई ने कोई निर्मल विद्यमान पर्याय होती ही है, तेरे पास भाव नाम की शक्ति है इसलिए निर्मल पर्याय विद्यमान होगी ही, तेरे को होती ही है, इसलिए निर्मल पर्याय प्रकट करने का पुरुषार्थ नहीं करना है। मेरे में भाव शक्ति है और भाव शक्ति वाला मैं भाववान परमात्मा हूं, वो पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ है कि मेरे में शक्ति पड़ी है भाव शक्ति, और मैं शक्ति वाला भाववान परमात्मा हूं, तो मेरे में भाव शक्ति है तो निर्मल पर्याय तो विद्यमान होगी, ऐसी भाव शक्ति पड़ी है। दूसरी एक अभाव शक्ति पड़ी है, वो गुरुदेव भी कह रहे थे अभाव शक्ति का, वो अभाव शक्ति आठों कर्म का अभाव रूप है, वो शक्ति कोई कर्म का सद्भाव ही नहीं हो सकता आत्मा में, वो आठों कर्म के अभाव रूप रहती है अभाव शक्ति। अभाव स्वरूप है भगवान आत्मा, अभाव करना नहीं है, वो अभाव स्वरूप भगवान आत्मा है, वो भाव विद्यमानपना निर्मल पर्याय का और अभाव कर्म का अभावपना, ऐसा भाव और अभाव रूप एक दो शक्तियां पड़ी है ऐसी, पहली भाव शक्ति निर्मल पर्याय विद्यमान, और अभाव शक्ति माने कि कर्म की कोई सद्भावता मेरी त्रिकाली द्रव्य में, कि मेरे अनंत शक्तियों में, कि मेरे गुणों में, कि मेरी जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई उसमें भी उसका सद्भाव बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये मैं भाव शक्ति वाला भी हूं और मैं अभाव शक्ति वाला हूं। और तीसरी शक्ति लिखी भाव अभाव शक्ति, क्या लिखी भाव अभाव शक्ति, पहली भाव दूसरी अभाव तीसरी भाव अभाव। तो कोई भी परिणमन चलता हो पर्याय में, कोई भी परिणमन चलता हो उसका नियम से दूसरे समय में अभाव होता है, माने कि जो परिणमन का भाव है प्रगट रूप वो परिणमन का अभाव दूसरे समय होता ही है। वो क्यों होता है, अपन बोलते तो है कि पर्याय एक समय की है, एक समय की पर्याय प्रकट होती है दूसरे समय व्यय हो जाती है और पारिणामिक भाव हो जाती है गुण रूप, तो ऐसा क्यों होता है, तो कि ऐसी एक शक्ति पड़ी है तेरे में, वो शक्ति के कारण ये होता है, ऐसी भाव अभाव नाम की शक्ति है तेरे में कि जो भाव है वही भाव माने कि दूसरे समय में नियम से व्यय होता है, तो जो भाव प्रकट है उसका अभाव होने की भी शक्ति तेरे में पड़ी है, ऐसी भाव अभाव शक्ति है। उसके बाद में 36वीं शक्ति है अभाव भाव शक्ति, कौन सी अभाव भाव शक्ति, पहली भाव शक्ति
दूसरी अभाव शक्ति, तीसरी भाव अभाव शक्ति, चौथी अभाव भाव शक्ति। जो पर्याय का तेरे में अभाव है वो पर्याय का भाव हो जाएगा, उसको अभाव भाव शक्ति बोला जाता है। तेरे को क्षयोपशम, क्षयोपशम सबकित की पर्याय है, तेरे को औपशमिक सबकित की पर्याय है, तो औपशमिक सबकित की पर्याय का अभाव हो जाएगा और क्षयोपशम सबकित की पर्याय का उत्पाद हो जाएगा। औपशमिक का अभाव और क्षयोपशम सबकित का भाव, ऐसी अभाव भाव शक्ति है। ऐसा पर्याय में कि मेरे को औपशमिक का अभाव करके फिर स्वयंसम प्रकट करना है, वो ऐसे नहीं होता है। ऐसी शक्ति है अंदर में अभाव भावना की, वो शक्ति का लक्ष्य करके, शक्तिवान की प्रतीति करके उसको अभाव भाव शक्ति का परिणमन हो जाता है। स्वयंसम की पर्याय जिसको सम्यक पूर्वक प्रकट होती है तो उसका भी दूसरे समय अभाव होके साइक की पर्याय प्रकट हो जाए समकित की, ऐसी एक अभाव भाव नाम की शक्ति पड़ी है जिसका अभाव होना ही है और दूसरे समय में वो दूसरी नई पर्याय का वृद्धिगत रूप से भाव होने वाला है, उसको अभाव भाव शक्ति बोला जाता है। और भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव भाव शक्ति, पांचवी भाव भाव शक्ति है। जो भाव प्रकट ज्ञान में हुआ वो भाव 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 ज्ञान भाव ज्ञान भाव ज्ञान भाव ज्ञान भाव ज्ञान भाव ज्ञान भाव निरंतर रहने वाला है, उसको कहते हैं भाव भाव शक्ति। और जिसका अभाव रागादि भाव का हुआ वो अभाव अभाव रूप ही रहने वाला है, उसको कहते हैं अभाव अभाव शक्ति। और 39वीं शक्ति कि जितने पर्याय में षटकारक चलते हैं वो षटकारक का अभाव रूप एक 39वीं भाव शक्ति पड़ी है। ऐसी शक्तियां, ऐसी शक्तियों का पिंड, ऐसा स्वभाव का सागर, ऐसा अनंत गुणों का गोदाम, ऐसा चैतन्य परमात्मा, ऐसा ध्रुव धाम, ऐसा गनायक भाव, ऐसा ध्रुव ध्याम। गुरुदेव बोला था ना, ध्रुव धाम का ध्यान की, ध्येय का ध्यान की, धक्ति धुनी धगत से धकाने वाला धर्म का धारक धर्मी धन्य है। ऐसा ये मेरा ध्रुव धाम है, ऐसा मेरा चैतन्य परमात्मा है, ऐसा मेरा गनायक भाव है। वो पूरा ये गाथा में गनायक भाव बता रहे हैं, भूतार स्वभाव बता रहे हैं। और वो भूतार स्वभाव कैसे ख्याल में आवे उसकी चर्चा कर रहे हैं यहाँ। शुद्धात्मा का स्वभाव और शुद्धात्मा का स्वभाव ख्याल में आने वाला परिणमन, ये दोनों चर्चा इसमें आई है। मगर इसमें मूल बात तो द्रव्य पर्याय का स्वरूप कैसे भिन्न है वो पहले में पहले यहाँ आचार्य भगवान को और पूज्य गुरुदेव श्री को सिद्ध करना है। देखो सभी प्रवचन में आप देखोगे, अभी 10 प्रवचन पूरा हो गया आज, पूज्य गुरुदेव श्री का जितना प्रवचन चला उसमें द्रव्य पर्याय की सर्वथा भिन्नता वाली बात कोई प्रवचन में नहीं आई, ऐसा अपन ने सुना नहीं। कितनी ज्ञानियों को पर्याय की उपेक्षा होती है, क्योंकि जो द्रव्य स्वभाव में आरूढ़ हो गए हैं, जो द्रव्य स्वभाव में लीन हो गए हैं, उसको पर्याय के प्रति निरंतर उपेक्षा रहती है। और जिसको सचमुच में आनंद की अनुभूति नहीं हुई, सम्यक प्रकार प्रकट भी नहीं हुआ, उसको भी पर्याय का ज्ञान करके पर्याय की उपेक्षा करनी चाहिए। ये प्रकरण इस तरीके से जब उसके ख्याल में आता है तब ही सचमुच में शुद्धात्मा का बहुमान अंदर से आता है और तब अपना गनायक देव जवाब देने के लिए समर्थ हो जाता है। ऐसा ये प्रकरण यहाँ बहुत अच्छी तरह से ये 320 गाथा में पूज्य गुरुदेव श्री ने स्पष्ट किया। स्वस्वामी संबंध की भी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने आज, स्वस्वामी संबंध लक्षण कैसा होता है उसकी भी चर्चा पूज्य गुरुदेव श्री ने आज की थी। तो अपना ये जो ये सम्यक सहज शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण नीच परमात्मा द्रव्य के सम्यक श्रद्धान दान अनुचरण रूप पर्याय के रूप परिणमन करता है, उस परिणमन को आगम भाषा से औपशमिक क्षयोपशमिक और क्षायिक इस प्रकार से भावत्रय रूप कहने में आता है, वह अध्यात्म भाषा से शुद्धात्म अभिमुख परिणाम वो सुदुपयोग इत्यादि संज्ञा पर्याय संज्ञा पाता है। ये तीन जो औपशमिक क्षयोपशमिक क्षायिक पर्याय जो कही गई है
ऐसा नाम जो कहा गया है वो आगम भाषा उसमें जो यूज़ किया है शब्द आचार्य भगवान ने, वो कर्म की सापेक्षता वहाँ बताना है। जब औपसमिक भाव आता है तब वहाँ बाहर में कर्म का अनुदय कैसे होता है, सार्वसमिक भाव में कर्म की प्रकार की स्थिति क्या होती है, सायिक भाव में जैसे कर्म का अभाव की स्थिति क्या होती है, इसलिए यहाँ उसको औपसमिक सार्वसमिक और सायिक भाव को आगम भाषा कह के बोला गया है, और बाद में उसको भावत्रयी कहा, और बाद में जो अध्यात्म भाषा की चर्चा यहाँ आती है शुद्धात्म अभिमुख परिणाम की और सदुपयोग की चर्चा जो आई है वो उसको वहाँ माने कि अध्यात्म भाषा से क्यों कहा, क्योंकि वो प्रकट होते ही उपयोग, मैं उपयोगवान हूँ, मैं त्रिकाली द्रव्य हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसे ही उत्पाद होते ही वो उत्पाद अपने द्रव्य में द्रव्य को प्रसिद्ध करता है, द्रव्य को प्रसिद्ध किए बिना वो उत्पाद व्यय नहीं होता है, उसको कोई कर्म की सापेक्षता लागू नहीं पड़ती, क्योंकि जो स्वभाव का अंश होता है, जो स्वभाव का अंश, जो अंश कल अपन ने रात को लिया था, वो ज्ञान का अंश, उपयोग का अंश, वो ज्ञायक भाव का एक अंश है। स्वभाव अंश ही है और ज्ञान का परिणमन वो एक उपयोग रूपी अंश है। वो अंशी का अंश होने से वो अंश कोई पर की सापेक्षता रूप नहीं होता, क्योंकि वो अंदर से आता है, मगर वो अंश में जो भाव प्रकट होते हैं कि समझ लो कि उसमें अभी क्षयोपशम ज्ञान हुआ कि क्षायिक ज्ञान हुआ तो वो सापेक्ष हो जाता है, मगर वो स्वभाव का अंश है, वो अंदर से निकला है, वो अंशी में से अंश निकला है, तो वो अंश कोई सापेक्ष नहीं होता, क्योंकि वो अंश माने कि निगोद में भी ऐसा है, वो उपयोग लक्षण कहा जाता है, और सिद्ध में भी वो लक्षण ऐसा न ऐसा रहता है। उसमें जो पर्याय प्रत्येक समय में प्रकट होकर व्यय हुई, प्रकट होकर व्यय हुई, सुत्ता पहले सुत्ता प्रकट हुई, सुत्ता की वृद्धि हुई, शुद्धि की पूर्णता हुई, तो ये जब सुत्ता की प्रकटता, शुद्धि की वृद्धि, शुद्धि की पूर्णता जो भी हुई वो सब कर्म सापेक्ष होती है। सचमुच में तो देखे तो ये ज्ञान लक्षण वाला उपयोग है ना, उसमें कोई शुद्धता की अशुद्धता का प्रकरण ही नहीं होता, समझना जरा बराबर। ये ज्ञान का उपयोग है, ये ज्ञायक भाव का ज्ञान है, उसमें कोई शुद्धता उस अशुद्धता नहीं होती, उसमें मात्र जानना होता है, ज्ञान में मात्र जानना होता है। अशुद्धता होती है नियम से आश्रवों की, अशुद्धता होती है आश्रवों की, शुद्धता होती है संवर की, समझना जरा। अशुद्धता आश्रव की, संवर शुद्धता संवर की, और उपयोग की उपयोगिता होती है, माने कि उपयोग की उपयोगिता, माने कि उपयोग उपयोगवान को ग्रहण करता है, तब वहां चारित्र में शुद्धि हुई तो उसको संवर बोला गया, तब आश्रव का अभाव हुआ तो वो अशुद्धता से आश्रव का प्रगटपना होता था वो चला गया, तो आश्रव भाव अशुद्धता का नाम है, संवर भाव शुद्धता का नाम है, और जानन भाव ज्ञान का नाम है। ज्ञान में मात्र उपयोग में जानना ही चलता रहता है, अनादि अनंत, उसमें कुछ नया नहीं होता है। बाद में उसको शुद्ध उपयोग कहा गया, तो उपयोग है, वो शुद्ध कहा गया, वो संवर की अपेक्षा से कहा गया है, वो संवर की शुद्धता है, उसको ज्ञान में मिला के उसको शुद्ध उपयोग कहा गया है। हालांकि उपयोग तो उपयोग ही है, उपयोग तो उपयोगवान का है, वो उपयोग तो उपयोग ही रहता है, वो शुद्ध उपयोग कहा तो शुद्ध उपयोग कहा, शुद्धात्म अभिमुख परिणाम कहा तो ये शुद्ध उपयोग, तो उपयोग ज्ञान का लक्षण है, शुद्धता संवर का लक्षण है। वो जब अनुभूति का काल आता है तब सदुपयोग होता है, तो वो संवर हुआ उसका कहने में आया, तो सदुपयोग माने कि ज्ञान का नाम उपयोग और शुद्धता का नाम संवर, वो दोनों को साथ में मिला के शुद्ध उपयोग कहने में आता है। हालांकि ज्ञान का उपयोग तो मात्र उपयोग रहता है, जब भी देखो तो वो लक्षण रूपी रहता है, वो ज्ञान का उपयोग कभी अशुद्ध नहीं होता, ज्ञान का उपयोग कभी शुद्ध नहीं होता। कहने में आवे कि भाई ज्ञान में क्षयोपशम ज्ञान है, अभिक्षायिक ज्ञान होने वाला है, वो क्षयोपशम और क्षायिक है, वो कर्म सापेक्षता है, और जो ज्ञान उपयोग है वो तो त्रिकाली द्रव्य का अंश है,
ये कर्म सापेक्षता एक अलग प्रकार है और लक्षण लक्ष का लक्षण एक अलग प्रकार है। लक्ष का लक्षण होता है वो लक्ष को प्रसिद्ध करता रहता है निरंतर, और जो कर्म सापेक्षता होती है वो जब अनुभूति का काल आता है तब कर्म की अनुदय होके वो काम चलता है, और जब तक अनुभूति नहीं होती तब कर्म का उदय की सन्मुख होकर वो ज्ञान में अज्ञानत्व हो जाता है। सचमुच में ज्ञान का ज्ञानत्व और ज्ञान का अज्ञानत्व भी कर्म की सापेक्षता का कोई संबंध नहीं होता, उसमें बिल्कुल संबंध नहीं होता। ज्ञान का परिणमन में जब तक उपयोगवान ज्ञान में होने पर भी उपयोगवान उपयोग में आवे नहीं तब तक वो ज्ञान का नाम अज्ञान पड़ जाता है, और जब वो ज्ञान में उपयोगवान आ जाता है तब वो ज्ञान का नाम सचमुच में माने कि ज्ञानत्व पड़ जाता है। ऐसे ज्ञान का ज्ञानत्व होता है, ज्ञान का अज्ञानत्व होता है। ज्ञान का ज्ञानत्व होता है तब श्रद्धा मोर छाप मारती है, ज्ञान का अज्ञानत्व होता है तब श्रद्धा मिथ्यात्व रूप परिणमती है। तो ये मिथ्यात्व और सम्यकत्व, ज्ञान का ज्ञानत्व और ज्ञान का अज्ञानत्व, ये पूरा एक समय में एक साथ में चलता है, इसमें आगे पीछे कुछ नहीं होता। ये ज्ञान का लक्षण जिसको ख्याल में आ जाता है कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, वो लक्षण फिर उसमें तो अनुभूति नहीं होती उसको ज्ञान मात्र में, क्योंकि वो तो उपयोग तो उत्पाद वाला है, उसमें अनुभूति नहीं होती। तो वो सोचता है फिर कि अनुभूति क्यों नहीं हो रही है, तो उसको पता चलता है कि मैं भेद में खड़ा हूँ। तो भेद में से वो कि मैं तो अभेद ज्ञायक हूँ, कैसे अभेद ज्ञायक हूँ पता चलता है कि ये ज्ञान का अंश है, वो अंश रूप में नहीं हूँ, मगर अंश आता कहाँ से है, तो कि अंश अंशी का अंश है, वो अंशी में से प्रकट होता है, वो अंशी में से प्रकट होने वाला अंश है, वो अंश अंशी का है तो मैं अंशी हूँ, बस ये श्रद्धान हो गया, ये उपयोग में ज्ञानत्व प्रकट हो गया। ऐसी एक ये ऐसी शुद्धात्माभिमुख परिणाम ऐसे होता है, सदुपयोग ऐसे होता है, औपसमिक सयोपसमिक सायिक भाव का परिणमन भी इस तरीके होता है। वो जो परिणाम प्रकट हुआ शुद्धात्मा के सन्मुख वाला, उसको यहाँ वह पर्याय शुद्ध पारिणामिक लक्षण शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। वो परिणाम कैसा है? शुद्ध पारिणामिक लक्षण शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। कथनचित भिन्न क्यों कहा यहाँ? कथनचित अभिन्न शब्द क्यों नहीं यूज किया आचार्य भगवान ने? यहाँ दृष्टि का विषय बताना है। दृष्टि का विषय जिसके लक्ष्य में आया है उसको अनुभूति होती है, तो अनुभूति वो भी भावना रूप होने से वो पर्याय भी कोई एक अपेक्षा से भिन्न ही रहती है। माने कि सर्वथा भिन्न तो ऊपर कह दिया, मगर अनुभूति के काल में वो कथनचित भिन्न रहती है। देखो, अनुभूति का विषय की चर्चा अलग है, अनुभूति की चर्चा अलग है, ये दो अच्छी तरह से समझना, नहीं तो फिर क्या होगा कि ऐसा लगेगा कि त्रिकाली ध्रुव की चर्चा में तो ये बात आती है और यहाँ अनुभूति की चर्चा में तो ये बात आती है, तो दोनों तो फर्क वाला काम हो गया। फर्क वाला कुछ काम नहीं है, अविरुद्ध बात कुछ नहीं है, सब सम्यक प्रकार की बात है। जब अनुभूति का विषय की बात चले तो उसमें तो अनुभूति भी नहीं है, उसमें सामान्य उपयोग भी नहीं है, उसमें ज्ञान 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 उत्पाद है, वो परिणमन भी उसमें नहीं है, परिणमन ही नहीं है, क्योंकि वो अपरिणामी है, वो अपरिणामी तत्व है, उसमें परिणमन ही नहीं होता। सोगानी जी बोल रहे थे आत्मा ए परिणामी है, ए परिणामी है, ए परिणामी है, वो बोल रहे थे, वो अपरिणामी ए परिणामी शब्द नहीं मिलता था उसको, तो आदरणीय लालचंद भाई ने उसको अपरिणामी शब्द ढूंढ के बताया। जैसे आचार्य की टीका में है अपरिणामी शब्द, उसमें से उसको ढूंढ के बताया। उसी वजह से सोगानी जी जब राजकोट पधारे तो एयरपोर्ट पर उसका स्वागत करने के लिए जब लालचंद भाई और सब ग्रुप में गए तो लालचंद भाई को वो भेंट पड़े। क्यों भेंट पड़े? कि अपरिणामी शब्द बता दिया उसने। वो तो पहले से कहते थे, उसने शास्त्र में देखा नहीं था, उसकी तो धुन ही कोई अलग प्रकार की, ऐसी ध्रुव की धुन चले, ऐसी ध्रुव की धुन चले कि कोई भी प्रश्न करो आप, कोई भी प्रश्न आवे वो द्रव्य से ही जवाब देवे,
द्रव्य से ही जवाब आवे उसका, पर्याय से जवाब ही नहीं आवे। पर्याय का प्रश्न हो तो भी द्रव्य से जवाब आवे, कोई भी प्रश्न पूछे तो द्रव्य से ही उसका उत्तर आवे। उसकी स्थिति बहुत अलग थी, उसकी परिणति बहुत अलग काम करती थी। ऐसे जीव पंचम काल में कोई कोई होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। उसकी परिणति की चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी प्रयोजनभूत है कि उनकी चर्चा भी अपन माने कि उसका शास्त्र में उसका पुस्तक में पढ़े। गुरुदेव ने उसको शास्त्र कह दिया, द्रव्य दृष्टि प्रकाश को क्या कह दिया, शास्त्र कह दिया। एक बार ये शास्त्र है, वो ऐसे छपा नहीं था जब, मगर छप के आ गया था शास्त्र तो द्रव्य दृष्टि प्रकाश। तो गुरुदेव ने तो 500 पुस्तक रख दिए थे अपने रूम में, किसी को देते नहीं थे कि ये यहाँ रख दो। फिर बहुत टाइम के बाद में गुरुदेव को, गुरुदेव ने स्वयं पूछा कि वो अपन ने द्रव्य दृष्टि प्रकाश किए थे वो कहाँ गए हैं, स्वयं पूछा, स्वयं किसी के किए बिना पूछा उसने। तब वो शशि भाई लालचंद भाई ने बोला कि वो तो अभी कितने टाइम से पड़े हैं, अभी तो जर्जरित हो जाएंगे, तो इसको अभी बाहर निकाले तो अच्छा है। तो गुरुदेव ने ऐसा बोला कि ओहो ये जर्जरित हो जाए तो ये तो शास्त्र है, ऐसा बोला गुरुदेव ने। तो ऐसी कोई ऐसा परिणति वाला जीव तो कोई कोई निकलता है। इसलिए एकांत से यही बात सच्ची है और दूसरी सब बात गुरुदेव ने कही है उसको नहीं समझना, ऐसा मत सोच लेना। क्योंकि ये पंचम काल के जीवों की परिणति, उसके द्रव्य क्षेत्र काल भाव की योग्यता, यहाँ जन्मने वाले पंचम काल में जन्मने वाले जीवों की ऐसी होती है कि वो माने कि सब समझ के सब सुन के उसकी परिणति ऐसी होती है, आहिस्ता आहिस्ता वो आगे बढ़ सकता है। इसलिए गुरुदेव ने 45 साल तक ये विस्तार किया है, नहीं तो गुरुदेव भी वही चर्चा कर लेते ना। गुरुदेव को तो अनुभूति बहुत पहले हो गई थी, वो तो वही चर्चा करते, वो क्यों नहीं चर्चा उसने की एक ही चर्चा, क्योंकि उसको पूरा स्पष्टीकरण करना था। क्योंकि उसने देखा कि बहुत शल्य जीवों के ज्ञान श्रद्धान में पड़े हुए हैं, बहुत शल्य पड़े हैं, बहुत अशुद्धता चल रही है। इसलिए शुरू से ही गुरुदेव ने पहले तो शुभ भाव का ही निषेध कर दिया कि शुभाशुभ भाव रूप आत्मा होता ही नहीं कभी। वो भी आज आया था प्रवचन सार की गाथा का, ऐसी मान्यता चलती थी कि शुभ रूपे परिणाम तो द्रव्य शुभ हो जाता है, अशुभ रूपे परिणाम तो द्रव्य अशुभ हो जाता है, और शुद्ध रूपे परिणाम तो द्रव्य माने कि शुद्ध हो जाता है। तो क्या शुद्ध होता नहीं, शुद्ध है वो, तो वो शुभ होता नहीं कभी, वो तो पर्याय शुद्ध को और पर्याय अशुद्ध होती है और पर्याय शुद्ध होती है। द्रव्य तो अनादि अनंत शुद्ध है। तो ऐसा ज्ञान श्रद्धा का सुबेड़ करके पूरी गाथा अपन समझे तो पूरा ख्याल आ जाता है। तो यहां कहते हैं कि जब माने कि जब कथनचित भिन्न कहा, वहां आचार्य भगवान ने क्या कहा, कथनचित भिन्न कह दिया सुधात्म, ये यहां आया कि यह पर्याय वह पर्याय शुद्ध पारिणामिक भाव लक्षण शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। तो के किस कारण से, तो के भावना रूप होने से। शुद्ध पारिणामिक भाव तो भावना रूप नहीं है, माने कि त्रिकाली द्रव्य तो भावना रूप पर्याय है, त्रिकाली द्रव्य तो भाव और भाववान रूप है, तो वो भावना रूप नहीं होता। वो भावना रूप नहीं होने से वो भावना को कथनचित भिन्न कहा गया, भले वो उसमें द्रव्य की जैसी शुद्धता है ऐसी ही शुद्धता उसमें प्रकट हो गई हो, तो भी वो परिणामन जो है वो भावना रूप होने से उसको कथनचित भिन्न कहा गया। वो कथनचित भिन्न कहने का मतलब ये है, कथनचित अभिन्न क्यों नहीं कहा, क्योंकि कथनचित भिन्न कहने से दृष्टि का विषय सुरक्षित रहता है। दृष्टि का विषय में कोई माने की भेड़ सेड़ कोई पर्याय की हो सकती नहीं है। यहाँ पूरा 320 गाथा में दृष्टि का विषय सिद्ध करना है, इसलिए यहाँ कोई भी अपेक्षा से पर्याय को अभेद की चर्चा यहाँ कही नहीं जा सकती। मगर एक बात जरूर है, कथनचित भिन्न का मतलब अपने को समझना चाहिए कि कथनचित भिन्न कोई एक अपेक्षा से भिन्न कहा उसका मतलब कोई एक अपेक्षा से अभिन्न भी है। ऐसा नहीं है कि कोई एक अपेक्षा से भिन्न कह दिया इसलिए वो पर्याय भिन्न ही है। अगर वो पर्याय को आप
सर्वथा भिन्न तो है ही, वो दृष्टि का विषय बता रहा है। सर्वथा भिन्न में दृष्टि का विषय बता रहा है, अपरिणामी तत्व बता रहा है, चैतन्य तत्व बता रहा है, ध्रुव तत्व बता रहा है। वो ध्रुव तत्व क्यों सर्वथा भिन्न के बताया कि पहले में पहले उसमें तो पर्याय का अभाव है, पर्याय का सर्वथा अभाव है। अगर ऐसा दृष्टि का विषय तुझे ख्याल में नहीं आएगा तो कथनचित भिन्न भी वो पर्याय नहीं होगी। इसलिए वो पहले में पहले दृष्टि का विषय बताया कि वो सर्वथा भिन्न है परिणाम से, चाहे कोई भी परिणाम हो, सब परिणाम से दृष्टि का विषय सर्वथा भिन्न रहता है। मगर सर्वथा भिन्न में माने कि वो पर्याय अभी ज्ञान अपेक्षा से देखो तो वो पर्याय में अनुभव हुआ है, तो वो अनुभव वाली पर्याय वो कथनचित भिन्न भिन्न होती है। श्रद्धा अपेक्षा से सर्वथा भिन्न, दृष्टि का विषय अपेक्षा से, ज्ञान अपेक्षा से कथनचित भिन्न भिन्न। अगर श्रद्धा अपेक्षा से सर्वथा भिन्न है, ऐसे ही ज्ञान अपेक्षा से भी मान ले अनुभूति के काल में कि सर्वथा भिन्न ही है, वो ऊपर बताया ऐसे कि बंद मोक्ष का परिणाम वो भी द्रव्य में नहीं है, मोक्ष का परिणाम द्रव्य में नहीं है ऐसा बोला, मोक्ष मार्ग का परिणाम द्रव्य में नहीं है ऐसा बोला, वहां सर्वथा भिन्न बताया त्रिकाली द्रव्य को पर्याय से, तो ऐसे यहां अनुभूति के काल में भी, वो अनुभूति के काल में भी ऐसे सर्वथा भिन्न ही रहे द्रव्य और पर्याय भी सर्वथा भिन्न रहे तो कोई जीव को अनुभूति नहीं होती। अनुभूति के काल में कथनचित भिन्न भिन्न होता है, और जब दृष्टि का विषय बताना हो तब सर्वथा भिन्न होता है। ये होता है एक ही समय में, रहित का श्रद्धांत जब होता है, रहित का ज्ञान जब होता है, पर्याय से रहित का श्रद्धांत त्रिकाली द्रव्य का, पर्याय से रहित का ज्ञान त्रिकाली द्रव्य का, तब सचमुच में वही पर्याय ज्ञान की जो होती है वो पर्याय से निर्बल पर्याय कथनचित सहित हो जाती है, और कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न कहा जाता है उसको। देखो, कोई भी समय में दृष्टि का विषय की सुरक्षितता को आँच न आए, इसलिए यहाँ कथनचित भिन्न शब्द आचार्य भगवान ने सिद्ध किया है। कथनचित भिन्न का मतलब ही यह है कि सचमुच कथनचित अभिन्न है, मगर कथनचित भिन्न का जन्म सर्वथा भिन्न से होता है। जिसको सर्वथा भिन्न का पता नहीं है और कथनचित भिन्न अभिन्न में चढ़ गया तो उसको माने कि ये कथनचित भिन्न सम्यक प्रकार से होता ही नहीं। इसलिए श्रद्धा में सर्वथा भिन्न होता है और ज्ञान में कथनचित भिन्न अभिन्न होता है, इसी का नाम अनुभूति कहा जाता है। इसलिए वहाँ उसको शुद्धात्मा त्रिकाली द्रव्य से सम्यक श्रद्धान आचरण और ज्ञान रूप उसको अध्यात्म भाषा से शुद्धात्माभिमुख परिणाम और सदुपयोग कहा, और आगम भाषा से उसको औपशमिक स्वयंशमिक सायिक कहा। वो पर्याय कैसी है तो कि शुद्धात्म द्रव्य से कथनचित भिन्न है। कथनचित भिन्न क्यों है? क्योंकि भावना रूप होने से। भावना कहाँ होती है तो क्या पर्याय में होती है। भाव और भाववान कहाँ होता है तो क्या त्रिकाली द्रव्य में होता है। इसलिए वो भाववान नाशवान होने से, क्योंकि जो वो पर्याय सर्वथा अभिन्न त्रिकाली द्रव्य से हो जाए तो पर्याय का नाश के समय में त्रिकाली द्रव्य का भी नाश का प्रसंग आ जावे, और कथनचित भिन्न होवे और कथनचित अभिन्न होवे तो कोई जीव को अनुभूति न होवे। ये दो न्याय है। अगर पर्याय सर्वथा अभिन्न हो जाए, कथनचित भिन्न क्यों लिखा इसकी चर्चा चल रही है। कथनचित भिन्न क्यों लिखा? ऊपर सर्वथा भिन्न कहा और यहां कथनचित भिन्न क्यों लिखा? तो कि अगर सर्वथा भिन्न का स्वीकार नहीं होवे तो दृष्टि का विषय ही न रहे, और कभी उसको कथनचित भिन्न भिन्न का स्वीकार न होवे तो उसको अनुभूति ही न होवे। अनुभूति में कथनचित भिन्न भिन्न होता है, और अनुभूति करने के लिए सर्वथा भिन्न होता है। सर्वथा भिन्न अपरिणामी तत्व है, और अनुभूति के काल में वो परिणामी होता है। वो परिणामी के लिए माना कि कथनचित भिन्न भिन्न है, अपरिणामी के लिए सर्वथा भिन्न है। इस तरीके से ये विचार में लेना, ये पर्याय कथनचित भिन्न लिखने का भी कोई महत्व होता है। ऐसे ने ऐसे आचार्य भगवान उसको कथनचित भिन्न लिखते नहीं, ऊपर से चली आई है बात, ऊपर से है? कि सर्वथा भिन्न है, बंद मोक्ष का परिणाम से आत्मा शून्य है, कोई भी परिणाम से आत्मा रहित है, और सब परिणाम का आत्मा में अभाव है। तो वहां क्या बताना है? दृष्टि का विषय बताना है, त्रिकाली द्रव्य बताना है, शुद्ध तत्व बताना है,
वो शुद्ध तत्व जब तक दृष्टि में नहीं आता तब तक तो वो कथनचित अभिन्न कैसे होगी, तब तक तो अनुभूति कैसे होगी, कथनचित भिन्न अभिन्न लागू ही नहीं पड़ेगा तब तक। जब तक सर्वथा भिन्न में नहीं आएगा तब तक तो कथनचित भिन्न अभिन्न का प्रकरण भी नहीं शुरू होता। और सर्वथा भिन्न में कब आएगा, जब ज्ञान में निर्णय होगा तब। ज्ञान में निर्णय कब होगा कि जब द्रव्य पर्याय को यथार्थ जानेगा तब। यथार्थ जानेगा तब क्या होगा कि स्वभाव और स्वभाव का अंश का उसको ख्याल आ जाएगा। स्वभाव का अंश का ख्याल आ जाएगा तो क्या होगा कि स्वभाव का अंश स्वभाव, स्वभाव भगवान आत्मा है, वो ऐसा अनंत अंश से भरा पड़ा भगवान आत्मा है, ऐसा उसको ख्याल आ जाएगा। इसीलिए ये स्वभाव और स्वभाव का अंश को निर्णय में पहले लेके, निर्णय में वो स्वभाव को लेके, जब प्रतीति सर्वथा भिन्न द्रव्य त्रिकाली है पर्याय से उसकी होती है, तब वो पर्याय भावना रूप होने से वो कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न रहती है। कथनचित भिन्न न हो और सर्वथा अभिन्न हो गई हो तो पर्याय का नाश से द्रव्य का नाश हो जाए, और कथनचित भिन्न अभिन्न न हो तो कोई जीव को अनुभूति का प्रसंग ही न बने। इसलिए दोनों बात एक गाथा में जो सर्वथा भिन्न और कथनचित भिन्न वाली आई है उसको श्रद्धा और ज्ञान का इस तरीके से विभाग करके समझना चाहिए। देखो जब तक वो उसको कथनचित भिन्न और कथनचित अभिन्न नहीं होती तब तक उसको अनुभूति नहीं होती। कथनचित भिन्न अभिन्न होती है सर्वथा भिन्न पूर्वक, मगर सर्वथा भिन्न पूर्वक कथनचित भिन्न अभिन्न होता ही है, क्योंकि कथनचित भिन्न अभिन्न होता है तब ही आनंद आता है। त्रिकाली द्रव्य में तो आनंद छलोछल भरा है, मगर व्यक्त रूप आनंद होता है वो सचमुच कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न में आता है, और जब तक आनंद नहीं आता तब तक अनुभूति कहीं नहीं जाती। इसलिए सर्वथा भिन्न पूर्वक कथनचित भिन्न अभिन्न अनुभूति के काल में एकदम यथार्थ है, उसको इस तरीके समझना चाहिए। देखो सर्वथा भिन्न को तो यथार्थ मानना और कथनचित भिन्न अभिन्न को जानना, क्या कहना है, सर्वथा भिन्न को तो मानना श्रद्धा में और कथनचित भिन्न अभिन्न को जानना ज्ञान में, मानना नहीं। अगर मानने लगेगा तो श्रद्धा वहां चली जाएगी। श्रद्धा में तो सर्वथा भिन्न त्रिकाली द्रव्य रहता है, मगर ज्ञान में कथनचित अभिन्न भिन्न होता है वो जानने में आ जाता है, उसी समय भी श्रद्धा में तो सर्वथा भिन्न ही रहता है। ये एक समय की रमत है, एक समय की रमत में ध्येय पूर्वक नहीं होता है। ध्येय है वो त्रिकाली द्रव्य है, और ज्ञेय जो हुआ अनुभूति के काल में वो पर्याय सहित का, निर्मल पर्याय से सहित का कथनचित वो परिणमन हुआ है द्रव्य के साथ में, उसको अभेद ज्ञेय बोला जाता है। वो अभेद ज्ञेय जो है वो सचमुच में अनुभूति में होता है, और त्रिकाली ध्येय जो है वो अनुभूति करने के लिए होता है। इसलिए दोनों प्रकार इस तरीके से उसको समझ में लेना है, क्योंकि निर्मल पर्याय भी सचमुच में त्रिकाली द्रव्य से कथनचित भिन्न अभिन्न होती है, मगर श्रद्धा में कथनचित भिन्न स्वीकारना नहीं, श्रद्धा में सर्वथा त्रिकाली द्रव्य स्वीकारना और मानना, और ज्ञान में कथनचित भिन्न अभिन्न को जान लेना, ऐसा यहाँ आचार्य भगवान का ये कहने का कथन है। और देखो ये गुरुदेव ने तो इसका इतनी इतनी चर्चाएं गुरुदेव ने उठाई है कि गुरुदेव को ऐसा पूछा कि भाई आप ये द्रव्य की भी बात करते हो, फिर आप पर्याय की बात करने लगते हो, कभी बोलते हो त्रिकाली द्रव्य भिन्न है, कभी बोलते हो कि वो अभिन्न है, ऐसा गुरुदेव को ये प्रश्न उठाया है? गुरुदेव को बोला, मैं बताता हूँ आपको गुरुदेव ने क्या कहा, वो पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि ये सब प्रकरण जो है ना अपने को समझने लायक है। ये हिंदी पृष्ठ में 304 नंबर का पृष्ठ है, पेज है, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री को प्रश्न किया कि आप दोनों बात कथनचित भिन्न और सर्वथा भिन्न करते हो तो हमें क्या समझना है इसमें, ऐसा गुरुदेव को प्रश्न किया। ये प्रश्न तो ये अपने बारिल साहब करते रहते हैं। तो पूज्य गुरुदेव श्री ने जवाब दिया है, मैं आपको सुनाता हूँ। ये प्रवचन तो चल गया है, आप लोगों ने सब ने सुना भी है। समाधान करते हैं गुरुदेव कि दोनों बातों अपनी अपनी अपेक्षा से सच्ची है। क्या है, दोनों बातें अपनी अपनी अपेक्षा से सच्ची है, इसलिए एक ही सच्ची है और बाकी सब झूठी है, ऐसा मत समझ लेना। दोनों बातों अपनी अपनी जगह में सच्ची है, ये गुरुदेव का वचन मैं पढ़ रहा हूँ। दोनों बातों अपनी अपनी अपेक्षा से सच्ची है, यह मोक्ष मार्ग की पर्याय है
और सामान्य बात की तो सामान्य पर्याय त्रिकाली समुच्चय है, एक ही बात है, कुछ समझ में आता है। एक आचार्य ऐसा कहते हैं कि पर्याय को बिल्कुल नहीं स्पर्शता, और जैसे आचार्य ऐसा कहते हैं कि कथनचित भिन्न अभिन्न है, तो वो दोनों बातें दोनों अपेक्षा से सच्ची ही है। उसको ऐसा मत समझना कि एक ही बात सच्ची है और दूसरी बात झूठी है, ऐसा गुरुदेव का फरमान है। बहुत जगह पे ये किया है कि गुरुदेव ने बोला है। और दूसरा भी एक पूज्य गुरुदेव श्री ने बहुत अच्छी बात की, वो भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये गुरुदेव जो प्रवचन करते हैं ना, तब अपने ध्यान में कोई कोई बातें निकल जाती है। देखो, अपनी जो कल चर्चा हुई थी ना, उसी का ही ये प्रकरण है। मैं आपको थोड़ा वो पढ़ के बताता हूँ तो आपको ख्याल आ जाएगा। देखो, पूज्य गुरुदेव श्री ने कहा, ऐसा उपदेश बापू पंथ जगत से निराला, टाइम तो हो गया है, 2 मिनट में पढ़ के पूरा करता हूँ। यह चैतन्य हीरा, इस चैतन्य हीरे की क्या कीमत, जिसकी एक समय की केवल ज्ञान पर्याय भी अलौकिक, तो ऐसे केवल ज्ञान की अनंती पर्याय, क्या लिखा है, केवल ज्ञान की अनंती पर्याय एक ज्ञान गुण में है। एक ज्ञान गुण में केवल ज्ञान की अनंती पर्याय है, श्रद्धा गुण में श्रद्धा गुण की सायिक संकित की एक पर्याय, ऐसी अनंती पर्याय एक श्रद्धा गुण में है। समझना, ये गुणों में पर्याय है, वो सिद्ध कर रहे हैं। चारित्र की यथाख्यात आदि एक समय की पर्याय, ऐसी ऐसी यथाख्यात चारित्र की अनंती पर्याय एक चारित्र गुण में है। एक समय का पूर्ण आनंद वह अनंत अनंत, ऐसी अनंती पर्याय एक आनंद गुण में भीतर पड़ी है। ऐसे अनंत 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 गुण का पिंड है प्रभु। क्या कहते हैं, एक गुण में उसकी अनादिकाल से अनंत काल तक की अनंत पर्याय अंदर, पर्याय रूप नहीं है, गुण रूप सत्व में, सत में उसका सत्व अंदर में वर्तमान में विद्यमान है। यहां तो बोल रहे पर्याय पड़ी है, पर्याय नहीं होती उत्पाद वाली, मगर पर्यायो उत्पाद होने का क्रम जो है वो अंदर में गुणों में सुनिश्चित है। वो गुण ऐसा है कि गुण में एक ध्रुव उपादान भी है, और एक वो गुण में एक क्षणिक उपादान रूप प्रकट होने का भी प्रकार है। ऐसा शक्ति के प्रवचनों में गुरुदेव ने, मैंने अभी जो 23 बोल बताए उस पे गुरुदेव ने बोला है। ऐसी बहुत सी बातें हैं गुरुदेव कह के गए हैं। अपन गुरुदेव को सुनेंगे ना बराबर, 2-4-5 घंटा पढ़ेंगे सुनेंगे, तब ये अपना जो मिथ्यात्व है ना, वो मिथ्यात्व गलने लगेगा, और वो गल के बाद में वो टलेगा अहम होने से। ऐसी चर्चा है पूज्य गुरुदेव श्री करके गए हैं। ऐसा स्वरूप समझकर सभी पवी जीव मोक्ष मार्ग में प्रयाण करें, ऐसी मंगल भावना।